हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एच एन अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ पी वाई क्यूज। रिसर्च एप्टीट्यूड के मैं 2019 से लेकर 2023 जो अभी आपका जून और मार्च वाला एग्जाम हुए थे वहाँ तक कुछ पी वाई क्यूज लेकर आई हूँ। इनको हम प्रैक्टिस करेंगे और ये आइडिया लगाएंगे कि किस तरीके के अभी तक आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस को पूछे गए हैं और अब दिसंबर में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 2019 के क्वेश्चन से। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, इन द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्चेस गॉट एम्फेसाइज्ड, यानी कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच थी उसमें कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च आ सकती है, यानी कि किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया है पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा है रिसर्च के अंदर पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, तो इसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले रिसर्चेस के टाइप्स के बारे में आपसे पूछा है। तो आपको अगर ये पता होगा कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म होता क्या है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पॉजिटिविज्म जो है वो आपके किसके ऊपर बात करता है, वो कहता है कि जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस है। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि नहीं, साइंस तो है प्लस साथ ही साथ जो हमारी कुछ वैल्यूज है वो भी मैटर करती है। ठीक है, पॉजिटिविज्म सिर्फ और सिर्फ साइंस के ऊपर जोर देता है, साइंस के ऊपर बल देता है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म साइंस प्लस फैक्ट और जो हमारी वैल्यूज है उनके भी बात करता है। तो पॉजिटिविज्म साइंस के ऊपर बल देता है, मतलब वो आपका कौन सा हो गया, क्वांटिटेटिव वाला हो गया पॉजिटिविज्म, और पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका क्वालिटेटिव हो गया। बस यही सही आंसर निकाल लो। अब यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म पूछा है यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें से देख लो कि क्वालिटेटिव कौन सी है या फिर जो क्वांटिटेटिव है उनको एलिमिनेट कर दो। तो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, आपकी जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होती है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो तो बचेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, आपके ऑप्शन नंबर सी और आपके ऑप्शन नंबर ई। ये तीनों आपके आंसर हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी और ई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बस आपको इस तरीके से देखना है पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ई इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों क्या है, क्वालिटेटिव है और पोस्ट पॉजिटिविज्म भी आपका क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, Which of the following sequence represent the most logical sequence in doing research? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम अनुसंधान करने में सबसे तार्किक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जो हम रिसर्च करते हैं तो उसका सबसे लॉजिकल बेस्ट जो सीक्वेंस है ना, 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च करने के, तो सबसे बेस्ट लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा है इन चारों में से वो हमको बताना है। सबसे पहला बोला है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट, यानी कि किसी शोध समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, एक परिकल्पना तैयार करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों को दर्ज करना। दूसरा बोला है आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल, कलेक्टिंग डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि एक शोध समस्या की पहचान करना, जनसंख्या और नमूनों को परिभाषित करना, आंकड़े एकत्र करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। फिर थर्ड बोला है सर्वे ऑफ रिसर्च, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग द आउटकम्स, यानी कि शोध का सर्वेक्षण, शोध समस्या को परिभाषित करना, आंकड़े एकत्र करना और परिणाम प्रस्तुत करना। और फिर फोर्थ वाला बोला है डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल्स हाइपोथेसाइजिंग, टेस्टिंग ऑफ रिसर्च एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च आउटकम, यानी कि शोध के परिणामों को परिभाषित करना, परिकल्पना करना, अनुसंधान का परीक्षण करना और अनुसंधान परिणामों को दर्ज करना। इन चारों में से कौन सा आपका बेस्ट रिसर्च के सीक्वेंसेस हैं। तो हमने पढ़ा है सबसे पहले रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि समस्या का क्या करते हैं, समस्या को फॉर्मुलेट करते हैं, समस्या को पहचानते हैं। यहाँ पे बोला है डिफाइनिंग आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे भी बोला है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है सर्वे ऑफ रिसर्च, सबसे पहले हम सर्वे करते हैं क्या, नहीं, हमको हमारी प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो हम सर्वे कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला है रिसर्च के वेरिएबल्स, यानी कि हम सबसे पहले क्या शोध के परिणामों को परिभाषित करेंगे, नहीं, ये भी गलत है। आपका या तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है इसके अंदर, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस,
ठीक है, और इसमें क्या बोला है, डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैंपल, हाइपोथेसिस कहाँ गई? पहले तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम सैंपल कलेक्ट करेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। टोटल आपकी रिसर्च में ये 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद में हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद में फिर हम प्लानिंग करते हैं कि हम हमारी आगे की रिसर्च को, जो भी हम 4-5 साल देने वाले हैं उसमें कैसे रिसर्च करेंगे, तो वो हम प्लानिंग करते हैं। फिर हम कैरी आउट रिसर्च करते हैं, यानी कि अब हमने जब पूरा प्लानिंग कर लिया तो अब हम हमारी रिसर्च को करना स्टार्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सैंपल्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस कैरी आउट रिसर्च के अंदर ही। फिर हम क्या करते हैं, जो ये हमने हाइपोथेसिस बनाई है इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, और लास्ट में फिर हम रिजल्ट बना के तैयार करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 स्टेप्स होते हैं आपके टोटल रिसर्च के। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कंसेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च, परिकल्पना परीक्षण किस प्रकार के अनुसंधान की मुख्य अवधारणा होती है। हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसके अंदर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में, हिस्टोरिकल में, सर्वे में, या फिर एक्सेजेटिक में? हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। हिस्टोरिकल में कोई हाइपोथेसिस ही नहीं होती है, हम सर्वे के अंदर भी नहीं करते हैं और ना ही हम एक्सेजेटिक के अंदर करते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान के अंदर क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, अ यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड्स टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, विच डिजाइन ऑफ रिसर्च विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। यानी कि एक यूनिवर्सिटी का टीचर जो है वो ये स्टडी करना चाहता है रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन। जो रूरल चिल्ड्रन है, जो आपके है ना ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे हैं, उनका और उनके लेवल ऑफ एस्पिरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करना चाहता है एक यूनिवर्सिटी का टीचर। तो हम कौन से रिसर्च को यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंटल को, एक्सपोज्ड फैक्टर को, हिस्टोरिकल, या फिर सर्वे मेथड को? तो हम यहाँ पे एक्सपोज्ड फैक्टर देखेंगे। क्यों देखेंगे, यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को देख रहे हैं ना, तो ये हम किसके अंदर करते हैं, एक्सपोज्ड फैक्टर के अंदर करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है हम उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। सर्वे के अंदर हम सर्वे करते हैं, ये रिलेशनशिप हम उसके अंदर भी नहीं देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो अभी हमने देखा क्या होगा, प्रायोगिक शोध के अंदर तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, लेकिन एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के अंदर हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, पूर्वव्यापी शोध विकल्प, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, थीमेटिक एनालिसिस, केस स्टडी, डिस्कोर्स एनालिसिस, या फिर सर्वे मेथड? तो आप ध्यान से देखोगे, थीमेटिक, केस स्टडी और डिस्कोर्स, ये सभी आपके क्वालिटेटिव से जुड़े हुए हैं। आपको क्या बोला है, जो क्वालिटेटिव नहीं है पूछा है आपसे। अगर आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का डिफरेंस पता होगा तो सर्वे मेथड आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता ही नहीं है, ये क्वांटिटेटिव होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है, सर्वेक्षण विधि, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने देखा होगा कि आजकल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से क्वेश्चंस काफी सारे पूछने लगा है एनटीए, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्योंकि काफी सारे जो रिसर्च के टाइप्स है ना वो इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपसे कोई भी टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्या विशेषताएं हैं क्वालिटेटिव की, क्या विशेषताएं हैं क्वांटिटेटिव की, तो आप चाहे कोई भी टाइप ऑफ आपका है ना रिसर्च के टाइप दे दिए हो, आप पहचान लोगे भाई ये क्वालिटेटिव है तो इसकी ये विशेषताएं होंगी, ये रिसर्च अगर क्वांटिटेटिव है तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तभी आप पहचान पाओगे जब आपको डिफरेंस पता होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, सर्वे मेथड आपका क्वांटिटेटिव होता है, हमसे पूछा था कि क्वालिटेटिव क्या नहीं है, अब हमको पता है कि सर्वे जो है वो क्वांटिटेटिव है, मतलब ये क्वालिटेटिव नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है दोनों कंसेप्ट के अंदर, और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब 2020 के क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं, 2019 के क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो चुके हैं। 2020 के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है,
अ यूनिवर्सिटी टीचर प्रपोजेस अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन व्हाई पेरेंट्स आर एपेथेटिक टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रोजेक्ट. हमको क्या देखना है, एक विद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्ताव करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी. कि जो पेरेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को लेकर अपैथेटिक क्यों होते हैं, उदासीन क्यों रहते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल करेंगे, हिस्टोरिकल करेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे या फिर एक्सपोस्ट फैक्टो करेंगे. एक्सपेरिमेंटल अभी हमने देखा, हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये तो होगा ही नहीं. हिस्टोरिकल भी मैंने अभी आपको बताया था, जो चीज़ ऑलरेडी पास्ट के अंदर हो चुकी है, ये तो हमको देखना है ना भाई ऐसा अपैथेटिक वो क्यों रहते हैं. ठीक है, हमको ये सर्च करना है, हमको ये ढूंढना है, ऑलरेडी पास्ट में थोड़ी ना हो चुका है, तो ये भी गलत है. ठीक है, एक्सपोज्ड फैक्टर, हम रिलेशनशिप देखते हैं दोनों के बीच में, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो हमको इस क्यों को फाइंड आउट करना है, इस वाई को फाइंड आउट करना है कि भाई जो माता पिता है वो उदासीन क्यों रहते हैं विद्यालय के कार्यक्रमों के लिए. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. क्या होगा, प्रतिभागी प्रश्न परक विधि होगा, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसका करेक्ट आंसर होगा. अगर आपको नहीं पता है कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपको ये पता है कि एक्सपेरिमेंटल तो नहीं ही होगा, हिस्टोरिकल भी नहीं होगा और एक्सपोज फैक्टो भी नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट करके एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो. और इसी को हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस करोगे तो एलिमिनेशन लगाना भी आपको आ जाएगा. क्या पता है, कई बार वो हमको नहीं पता होता है कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन कई बार हमको ये पता होता है कि ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं ही होने वाला है. तो जो नहीं होने वाला है उसको पहले आप एलिमिनेट कर दो तो बचेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वल्नरेबल इन रिसर्च. शोध आचार संहिता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में न्यूनतम रूप से अनाहत है, यानी कि हमको बताना है कि इन सब में से कौन सा, हम कौन से पॉइंट के अंदर सबसे कम एथिक्स का है ना यूज करते हैं. ये चारों जो आपको ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि लीस्ट वल्नरेबल कौन सा है एथिक्स को लेकर, हम सबसे कम है ना एथिक्स किसके अंदर लगाते हैं. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स के अंदर, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के अंदर, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च एंड रिजल्ट के अंदर, या फिर साइटिंग अ थ्योरी इन सपोर्ट के अंदर. जब भी हम साइटेशन देते हैं तब रिसर्च के है ना एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. जब भी हम रिजल्ट बनाते हैं, रिसर्च के रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, तब भी हम एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. जब भी हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा का जब भी हम विश्लेषण करते हैं, तब भी आपके शोध की जो आपकी एथिक्स होती है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. लेकिन जब हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तब हम रिसर्च का जो एथिक्स है उनका ध्यान ना भी रखें तो चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमको खुद को फॉर्मुलेट करनी है ना. अब प्रॉब्लम्स का रिसर्च के एथिक्स से कोई संबंध नहीं है. ठीक है, तो ये ए वाला इसका सही आंसर होगा. हमसे ये पूछा था कि सबसे कम हम एथिक्स किसके अंदर लगाएंगे, इन चारों ऑप्शन में से सबसे न्यूनतम एथिक्स का प्रयोग किसके अंदर होता है. तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में कोई एथिक्स लगते ही नहीं है, वो हमको समस्या का सहना निरूपण करना है. हम हमारे अकॉर्डिंग कैसे भी समस्या को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि समस्या निरूपण और चरों की पहचान में हम कम से कम एथिक्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं होती करने की. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड. निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधि शोध में असंभाव्यता आधारित है. हमको ये बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड कौन सा है इसमें से. सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी वाला. एक मैंने आपको बता दिया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला. सेकंड है आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी वाला. ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम इससे क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाते हैं. ठीक है, अब हमको बताना है कि इन चारों और पांचों ऑप्शन में से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड कौन सा है. क्लस्टर है क्या, डायमेंशनल है क्या, रैंडम सैम्पलिंग है, जजमेंटल है, या फिर स्नोबॉल है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है. नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं पता है तो जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा ही नहीं. ठीक है, क्लस्टर आपका होगा ही नहीं. बचा कौन सा, बी बचा, एक डी बचा और एक ई बचा, यानी कि बी डी और ई इसका करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, बी डी और ई इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, ये सभी आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड होते हैं.
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट पोस्टुलेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। फिर आपकी दूसरी स्टेटमेंट बोली है, रिसर्चर सेटअप्स अ नल हाइपोथेसिस सो दैट द डिड्यूस्ड कंक्लूजन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी डायरेक्टली टेस्टेड। यानी कि आपको नीचे दो कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन बोल रहा है, शोध परिकल्पना चरों के तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक तत्वों पर आधारित संबंध निरूपित करने वाला अस्थायी संभावित कथन है। और दूसरा कथन क्या बोला है, शोधार्थी एक नकारात्मक शून्य परिकल्पना बनाता है जिससे शोध परिकल्पना में निगमित परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण हो सके। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो आपकी पहला कथन है वो तो सही है लेकिन दूसरा कथन आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है अभी बताती हूँ। पहला कथन क्या बोला है, रिसर्च की हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। ये मैंने वर्ड काफी बार यूज करा है, टेंटेटिव मतलब टेम्पररी होती है रिसर्च की हाइपोथेसिस। रिसर्च की हाइपोथेसिस कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है, हम उसको टेस्ट करेंगे उसके बाद में हमको पता चलेगा कि हाँ ये हाइपोथेसिस हमारी सही थी या फिर गलत थी, लेकिन जब तक हमने उसको टेस्ट नहीं करा तब तक वो टेम्पररी ही रहेगी। वो सही भी हो सकती है वो गलत भी हो सकती है, अभी वो परमानेंट नहीं बनेगी। तो ये तो सही है, लेकिन सेकेंड कथन क्या बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस जो है वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए निकाली जाती है। नहीं, नल हाइपोथेसिस को हम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए नहीं देखते हैं, नल हाइपोथेसिस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके कि जो हमारी हाइपोथेसिस है क्या वो सही थी। सही होगी तो नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, सही नहीं होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। ये पूरा है ना, पूरा सीन होता है नल हाइपोथेसिस को लेकर। हम इसलिए नल हाइपोथेसिस को बनाते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंसेस को डिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पहला स्टेटमेंट सही है पर दूसरा आपका फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है, इन विच वन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड यूनिट्स कंप्राइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप टेक इंटेक्ट रादर देन इंडिविजुअली। यानी कि प्रदर्शित प्रतिचयन की कौन सी पद्धति में अपने घटकों को समाविष्ट करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है। हमसे पूछा है, अगेन आपका सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि हमको इन चारों में से बताना है कि कौन सी ऐसी सैम्पलिंग का मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल के बजाय पूरे के पूरे यूनिट को लेते हैं। यूनिट मतलब पूरे के पूरे हम ग्रुप को लेते हैं बजाय इंडिविजुअल के। तो कौन सा है, क्लस्टर है, सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिक है या फिर डायमेंशनल है। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, हम है ना जो भी हमारी सैंपल्स होते हैं उसको हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर हम पूरे के पूरे ग्रुप्स को ही उठा लेते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा था कि हम इंडिविजुअल के बजाय पूरे के पूरे यूनिट्स को ही है ना क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो ये कौन सी वाली सैम्पलिंग है, तो ये हमारी है क्लस्टर सैंपलिंग। एक होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर बांट तो देते हैं हमारे सैंपल्स को, लेकिन उसमें से हम इंडिविजुअल एक एक दो दो लोगों को ग्रुप्स के अंदर से चूज करते हैं। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और पूरे के पूरे ग्रुप्स को ही उठा लेते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, समूह प्रतिदर्शन प्रतिचयन पद्धति, आपका क्लस्टर सैंपलिंग मेथड जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2021 के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी रिलेट्स टू मेजर टू अ क्राइटेरियन ऑन विच केसेस यानी कि पीपल आर नोन टू डिफर एंड दैट इज रिलेवेंट टू द कंसेप्ट इन क्वेश्चन। यानी कि किसी प्रकार की वैधता, किस प्रकार की वैधता किसी उपाय को ऐसी कसौटी से जोड़ती है जिस पर ऐसी कसौटी से जोड़ती है जिस पर मामलों अर्थात लोग जो हैं भिन्न मत रखते हैं और जो प्रश्नगत अवधारणा के लिए संगत होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे पूछा है ऐसा कौन सा टाइप ऑफ वैलिडिटी है जो कि क्राइटेरिया को मेजर करता है जिसमें लोगों का जो मत होता है वो भिन्न होता है और जो प्रश्नगत अवधारणा के लिए संगत होते हैं। तो वो है आपका कॉन्करंट वैलिडिटी। क्या है आपका, समवर्ती वैलिडिटी, समवर्ती वैधता का एक टाइप है। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ ये चारों टाइप्स की वैलिडिटी होती क्या है। सबसे पहले होती है आपकी कॉन्करंट वैलिडिटी। कॉन्करंट क्या होती है, जो आपकी करंट सिचुएशन है, हम कोई ऐसा टेस्ट कर रहे हैं, मैंने कोई एक ऐसा टेस्ट करा जो आपकी करंट सिचुएशन को दिखा रहा है, वो होती है आपकी कॉन्करंट वैलिडिटी। ठीक है, एक होती है आपकी फेस वैलिडिटी। फेस क्या होती है, जो मैं एक्चुअल में करना चाहती हूँ अपनी रिसर्च में और मैं कर भी वही रही हूँ, तो जो मैं करना चाहती हूँ और जो मैं कर रही हूँ वो दोनों सेम दिख रहे हैं।
ठीक है, उनका जो दिखना है वो एकदम सेम है, तो उनका जो फेस है वो एकदम सेम है, वो होती है आपकी फेस वैलिडिटी। जैसे कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ अपनी रिसर्च के अंदर बच्चों की मेंटल ग्रोथ को चेक करना, ठीक है, लेकिन मैं रिसर्च में कुछ और ही कर रही हूँ, वो मेरी रिसर्च कुछ और ही दिखा रही है, तो वो दोनों बातें अलग अलग हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ बच्चों की मेंटल ग्रोथ को चेक करना और मैं रिसर्च में भी कुछ ऐसे ही चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, कुछ ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ जो मेरी जो रिसर्च है मेंटल ग्रोथ, बच्चों की मेंटल ग्रोथ को जो मैं चेक कर रही हूँ उस वाली रिसर्च को ही दर्शा रहे हैं, तो वो होती है फेस वैलिडिटी। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इंटरनल वैलिडिटी जब हम दो जो वेरिएबल्स हैं, दो चर जो हैं उनके बीच का जब हम कोई रिलेशनशिप बताते हैं कि इन दोनों चरों के बीच में क्या कोई संबंध है या फिर नहीं है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ है उस पे बच्चों के जो हॉर्लिक्स है उसका कोई असर पड़ता है, ठीक है, ये मैंने दो चर लिए कि हॉर्लिक्स का बच्चों की फिजिकल ग्रोथ पे कोई असर होता है या फिर नहीं होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन मैंने ये एग्जांपल लिया कि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ पे म्यूजिक सुनने का कोई असर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये मेरे को रिसर्च करना है। तो अब आप देखोगे इन दोनों में से कौन सा आपको ठीक लग रहा है, क्या म्यूजिक सुनने से किसी की फिजिकल ग्रोथ में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहाँ तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। लेकिन फिजिकल ग्रोथ हमारी हॉर्लिक्स के ऊपर फिर भी डिपेंड कर सकती है कि भाई हॉर्लिक्स हम लेंगे तो हो सकता है फिजिकल ग्रोथ हमारी बढ़ सकती है, ठीक है, थोड़ी बहुत है ना पॉसिबिलिटी है, भाई बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती है, लेकिन म्यूजिक सुनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो इंटरनल वैलिडिटी है वो आपकी रिलेशनशिप दिखाती है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या कोई संबंध है या फिर नहीं है। अगर संबंध है तो आपकी रिसर्च में क्या होगी, इंटरनल वैलिडिटी होगी। अगर संबंध नहीं है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया आपका फिजिकल ग्रोथ और म्यूजिक सुनना आ गया, तो कोई संबंध ही नहीं इन दोनों का, तो वो आपकी वैलिडिटी नहीं होगी फिर रिसर्च के अंदर, ठीक है। और कौन सी वाली, इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। एक होती है आपकी प्रिडिक्टिव, प्री यानी कि आपके फ्यूचर को दिखाती है, ठीक है, को आप मैं है ना मैं एक ऐसा टेस्ट कर रही हूँ जो कि आपके फ्यूचर को दिखा रहा है, वो हो गई आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब ये कॉन्करंट यानी कि आपकी करंट सिचुएशन को दिखा रहा है और प्रिडिक्टिव यानी कि आपकी फ्यूचर सिचुएशन को दिखा रहा है। इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने आपका कोई टेस्ट लिया, ठीक है, अब मैंने आपका टेस्ट लिया उसके अंदर आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, आउट ऑफ 30 आपके पूरे 30 में से 30 मार्क्स आए, इसका मतलब आप सच में इंटेलिजेंट हो, ये है मेरी कॉन्करंट वैलिडिटी। मैंने आपका टेस्ट लिया, आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, आप इंटेलिजेंट हो और आपके मार्क्स भी 30 आ रहे हैं, इसका मतलब जो मैं टेस्ट ले रही हूँ वो आपकी आज की जो परिस्थिति है, आपकी आज की जो सिचुएशन है उसको दर्शा रहा है, आप इंटेलिजेंट भी हो और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपका प्रिडिक्टिव में क्या होता है, मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने आपका कोई आज एक ऐसा टेस्ट लिया जिसमें आपके कितने मार्क्स आए, आपके उसमें 30 मार्क्स आ गए, ठीक है, आपके उसमें 30 मार्क्स आ गए। मैंने आपका सपोज कोई है ना डांस का टेस्ट लिया जिसमें मैंने आपसे कुछ 2-3 डांस करवाए, तो मैंने देखा कि आपके उसमें आउट ऑफ 30 मार्क्स आ गए। अब मैं क्या बता सकती हूँ कि इन फ्यूचर में आप बहुत अच्छे डांसर बन जाओगे, यानी कि और है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि आप इन फ्यूचर में बहुत अच्छे डांसर बन जाओगे, और क्या मतलब है, अभी मैंने जो आपका टेस्ट लिया है वो आपकी फ्यूचर को दर्शा रहा है, भाई आपकी आज अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप फ्यूचर में भी तो इंटेलिजेंट ही रहोगे ना, फ्यूचर में थोड़े ना आप है ना वो बिना इंटेलिजेंट के हो जाओगे, नहीं, आप अगर अभी इंटेलिजेंट हो तो फ्यूचर में भी इंटेलिजेंट रहोगे, अगर आज आपके अंदर कैपेबिलिटी है डांस करने की तो वो फ्यूचर में भी रहेगी। तो ऐसा टेस्ट जो कि आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है वो होता है प्रिडिक्टिव टेस्ट, लेकिन कॉन्करंट आपकी करंट सिचुएशन को दिखाता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दी हुई है, आपको दो सूचियां दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, आपको इनमें से मैच करना है। पहला दिया हुआ है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा है ईमेल, तीसरा है सेंसस, और फिर है प्रोबेबिलिटी सिंपल, ठीक है, या फिर संभाव्यता प्रदर्शन, ठीक है, आपको मैच करना है, प्रोबेबिलिटी सैंपल है, आपको मैच करना है किसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप देखोगे आपको अगर और कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है तो भी आप इससे निकालोगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन होता है, यानी कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। डी का ऑप्शन 4 कर लो, डी का ऑप्शन 4 सिर्फ एक के ऑप्शन के अंदर ही है, बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और इससे ही आपका आंसर सी ऑप्शन आ जाता है इतना आसानी से, ठीक है। अब हम बाकियों को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है फेस टू फेस,
ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फेस टू फेस होता है। ईमेल क्या होता है? ईमेल आपका एम्बेडेड होता है। और सेंसस क्या होता है? जिसमें हम पूरे एंटायर पॉपुलेशन के बारे में जानकारी लेते हैं, जो हमारी जनगणना होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरी जो एंटायर पॉपुलेशन उसके बारे में जानकारी लेते हैं, भाई कितने साल के बच्चे हैं, कौन कौन पढ़ाई करता है, आपके घर में फैमिली मेंबर कितने हैं कितने नहीं हैं। तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की जानकारी लेते हैं, वो होता है आपका सेंसस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर द स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के आपको स्टेजेस दिए हुए हैं, आपको उनको एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर जमाना है। ठीक है, सैम्पलिंग केसेस, रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। तो आप देखोगे कि जो रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रिसर्च के स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे बार बार सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो आपको याद रखने हैं इन सातों स्टेप्स को, कि सेवन स्टेप्स कौन से हैं रिसर्च के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनको मैच करो। सबसे पहले क्या होगा, इनमें से देख लो। सबसे पहले आप रिसर्च के एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करोगे, शोध प्रश्न को ढूंढोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाकियों को देखो ही मत, क्यों देख के टाइम वेस्ट करना है जब एक ही में दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च हैज द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी फिनोमेना बाय, यानी कि वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य है किसके माध्यम से होता है। जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च है वो किसी, है ना, किसी फिनोमेना का अल्टीमेट गोल किसके थ्रू एक्सप्लेन करती है, तो वो होता है आपका लॉ ऑफ इंट्यूशन। लॉ ऑफ इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अंतः प्रज्ञान का नियम के अकॉर्डिंग क्या करती है, साइंटिफिक रिसर्च किसी भी फिनोमेना के गोल को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स इन फोकस रिसर्च। फोकस रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं, आपको उनको डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, पहले सैंपल सिलेक्ट करोगे क्या, फिर फोकस ग्रुप है, फिर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही आएगा, चाहे कोई सी भी रिसर्च हो, चाहे फोकस रिसर्च हो, चाहे सोशल रिसर्च हो, कोई भी रिसर्च हो, सबसे पहले प्रॉब्लम आपका, है ना, प्रॉब्लम ही फाइंड आउट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी किसके अंदर है, सबसे पहले बी के अंदर है, तो बस बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकियों का एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये जो फोकस ग्रुप और ये सब कुछ लिखते हैं ना, वो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पे अब आप देखोगे एक भी किसी भी रिसर्च को करने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने पढ़ा है सबसे पहले हम प्रॉब्लम को ही फॉर्मुलेट करेंगे। तो वो किसी भी तरीके की रिसर्च हो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही आएगी ना, समस्या ही आएगी, तब उसके बाद में जाके हम कुछ अलग अलग स्टेप्स को ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम समस्या को ही देखेंगे, प्रॉब्लम को ही देखेंगे। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को परिभाषित करें, ये आपका सबसे पहला आपका स्टेप होता है किसी भी रिसर्च में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे हैं 2022 के क्वेश्चंस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज बेस्ड ऑन डिवीजन इन 100 यूनिट्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना 100 अंकों के समान आकार की 100 इकाइयों में विभाजन पर आधारित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल जो है वो आपके 100 मार्क्स को आपके किससे दिखाता है, 100 यूनिट से दिखाता है। ठीक है, तो इंटरवल स्केल्स का करेक्ट आंसर है। नॉमिनल आपके जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम्स मेंशन होते हैं, ऑर्डिनल आपके नेम्स भी होते हैं और साथ ही साथ ऑर्डर्स भी होते हैं, ऑर्डर यानी कि रैंक भी गिवन होती है। ठीक है, मैंने आपको रैंक दे दी, आपका फर्स्ट रैंक है, आपका सेकेंड रैंक है, तो रैंक किसके अंदर आएगा, ऑर्डिनल के अंदर आएगा। नॉमिनल में क्या आएगा, सिर्फ मैंने नाम दिए हैं आपको, मेरा नाम हर्षिता है, आपका नाम राम है, आपका श्याम है, आपका सीता है। ठीक है, तो सिर्फ नाम दिए हैं वो नॉमिनल स्केल है, और ऑर्डिनल में नाम भी है प्लस आपके रैंक भी है। ठीक है, नाम के साथ साथ आपके रैंक भी है, भाई हर्षिता फर्स्ट रैंक पे है, राम सेकंड पे है, सीता थर्ड पे है। ठीक है, तो नाम भी है और रैंक भी है। रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होती है, आपका जो इंटरवल होता है, ठीक है, दो जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होगा वो इक्वल इंटरवल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 10, फिर मैंने लिया 20, फिर मैंने लिया 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन तीनों के बीच का जो इंटरवल है वो इक्वल है। इन तीनों के बीच में 10 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर मैं ले लेती 40, तो फिर आपका 10 का गैप हो जाता। तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो सेम इंटरवल है, तो ये होती है आपकी इंटरवल स्केल। ठीक है, और इसके अंदर अपने जो ऊपर वाली स्केल है नॉमिनल, यानी कि जो उसके अंदर नेम वाली कैटेगरी है वो भी होगी, और जो नेम प्लस आपकी रैंकिंग वाली कैटेगरी है ऑर्डिनल की वो भी होगी, और इंटरवल की अपनी खुद की एक स्पेशलिटी भी होगी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होती है वो भी इक्वल
इक्वल होती है, इंटरवल जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। रेशियो स्केल में क्या होगा, रेशियो स्केल सबसे लास्ट वाली स्केल होती है, यानी कि हर एक स्केल में अपने से ऊपर वाली जो स्केल है उसकी कैटेगरी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उनके खुद की भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, ठीक है। तो इंटरवल स्केल में नॉमिनल की और ऑर्डिनल की कैटेगरी होगी, साथ ही साथ खुद की एक कैटेगरी भी हो गई, ठीक है। रेशियो में इन तीनों के एक एक कैटेगरी होगी, ठीक है। यहाँ पे नेम्स है तो नेम की कैटेगरी है, ऑर्डिनल है यानी कि नेम प्लस रैंकिंग है, इंटरवल यानी कि जो इनका बीच का स्पेस है वो इंटरवल जो है वो इक्वल होगा, तो इन तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो होगी ही होगी, साथ ही साथ रेशियो में खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है कि ये ट्रू जीरो पॉइंट को दिखाता है। ट्रू जीरो पॉइंट का क्या मतलब है, इंटरवल और रेशियो में एक डिफरेंस होता है कि इंटरवल में ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब कुछ होता है, लेकिन रेशियो में जीरो का मतलब जीरो ही होता है। अब आप बोलोगे मैम जीरो का मतलब तो हमेशा जीरो ही होता है, लेकिन आप तो बोलोगे इंटरवल में जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, मतलब वहां पे कुछ नंबर है, तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपने देखा होगा घड़ी में आपके काफी बार ये टाइम आता है, ठीक है, ये टाइम आता है, मतलब ऐसा आपको आपके वॉच के अंदर ये टाइम दिखता है, तो ये टाइम कब दिखता है, जब आपके रात के 12 बजते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 00:00 लिखा है, तो क्या कोई टाइम ही नहीं है, बिना टाइम की दुनिया चल रही है, बिना टाइम की घड़ी चल रही है, नहीं, ये टाइम किसी एक टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। उसको दिखाने का जो तरीका है वो 00 है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो है, नहीं, जीरो का मतलब है कि यहाँ पे कुछ नंबर है, ठीक है। तो ये होती है आपकी इंटरवल स्केल, जिसमें जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, कुछ नंबर होता है, लेकिन रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो ही होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इंटरवल स्केल जो था वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपको सभी कंसेप्ट भी समझा रही हूँ, बाकी के ऑप्शन भी समझा रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए भाई एक तो इसका आंसर है, बाकी के तीन इसका आंसर क्यों नहीं है, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च के एक कॉम्पोनेंट क्या है, नृजातीय अनुसंधान में एक प्रमुख घटक क्या है। तो अगर आपको पता होगा एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, हमारे पास में दो रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, तो इसमें से जो क्वांटिटेटिव है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है, साइम्यूलेशन हटा दो, थर्ड पार्टी हटा दो, सर्वे भी आपका क्वांटिटेटिव होता है, तो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं किसके अंदर, एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, जब हम किसी के कल्चर की स्टडी करते हैं, जब हम किसी के कल्चर की स्टडी करते हैं तो उसको एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं, और इसका मेन घटक क्या होता है कि इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। मेरे को किसी के कल्चर की स्टडी करनी तो मैं जाके उसको ऑब्जर्व करूंगी, भाई उसके कल्चर में क्या होता है, क्या उसके कल्चर में क्या है ना ट्रेडिशन है, क्या वो मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है, उन सबको मैं ऑब्जर्व करूंगी जाके। तो ऑब्जर्वेशन होता है आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर, ठीक है, क्या होता है, प्रेक्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ, यानी कि आधारिक सिद्धांत उपागम में किसका विश्लेषण होता है, ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर कौन सी एनालिसिस इन्वॉल्व है, रिव्यू ऑफ रिसर्च आर्टिकल, टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। आपको बताना है कौन सी आपकी ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर एनालिसिस इन्वॉल्व है। तो अगर आपको पता है कि ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो क्या है, ये भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च, बाकी को हटा दो, जो आपकी ग्राउंडेड रिसर्च है वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, तो इसके अंदर हम एनालिसिस भी क्वालिटेटिव डेटा को ही करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो मोस्टली सिर्फ चार ही रिसर्च होती है जो क्वांटिटेटिव होती है, उनके अलावा जितने भी रिसर्च है वो आपकी क्वालिटेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव चार कौन कौन सी है, सबसे पहले है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, एक है आपकी एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है, एक होगी आपकी एक्सपोस्ट फैक्टो, एक होगी आपकी कोरिलेशनल, ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च, और फोर्थ है आपकी डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो सर्वे मेथड आता है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो सर्वे मेथड आता है जिसमें हम सर्वे करते हैं, वो भी आपकी होगी क्वांटिटेटिव। ये चारों आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, इनके अलावा जितनी भी रिसर्च होती है, ग्राउंडेड थ्योरी हो गई आपकी, अभी हमने देखा एथनोग्राफिक, एक होती है आपकी फिनोमिनोलॉजी, और काफ़ी सारी रिसर्च होती है वो सभी आपकी क्वालिटेटिव होती है। बस सिर्फ एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, कोरिलेशनल और आपकी डिस्क्रिप्टिव के अंदर सर्वे रिसर्च, सिर्फ ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम नंबर्स के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपको, रिसर्च के एथिक्स बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स, निम्न में से कौन अनुसंधान नीति शास्त्र के भाग है, कौन से एथिक्स का पार्ट है वो आपको बताना है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी, कि हम जब भी रिसर्च करेंगे तो हमको इंडिविजुअल की प्राइवेसी को ध्यान में रखना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है क्या, बिल्कुल सही बात है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि जब भी हम हमारी रिसर्च में हमारे पार्टिसिपेंट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उनका कंसेंट लेंगे, यानी कि उनकी सहमति से उनको, उनके साथ में कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनकी सहमति लेंगे, बिल्कुल लेनी चाहिए हमको, ये भी हमारी एथिक्स का पार्ट है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, वॉलंटरी यानी कि जो भी हमको अपने जो पार्टिसिपेंट है उनके साथ में कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या हम उनकी परमिशन लेंगे, या फिर वॉलंटरी मतलब क्या हम उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग, है ना, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो रिसर्च करेंगे क्या उनके साथ में, बिल्कुल सही बात है। उनकी वॉलंटरी एक्शंस भी होनी चाहिए, हम ज़बरदस्ती उनसे नहीं करवा सकते। अगर हमको चाहिए कि भाई हमको है ना किसी क्वेश्चन का आंसर उनसे चाहिए, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि नहीं मैं आपको ये आंसर नहीं दे सकता हूँ, तो भी मैं उनको फोर्स कर रही हूँ, तो वो गलत बात है। मेरे को क्या करना है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो मेरी रिसर्च के अंदर जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो दो है, कोअर्सिव पार्टिसिपेंट और कॉन्सिलमेंट, ये दोनों आपके नेगेटिव टर्म्स हैं जो कि आपकी रिसर्च के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने हिंदी में बता देती हूँ एक बार, व्यक्तिगत निजता की रक्षा करनी है हमको, संसूचित सहमति होनी चाहिए, और फिर स्वैच्छिक सहभागिता होनी चाहिए। इनका क्या मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया है अभी, ठीक है। बाकी के जो दो है, संगोपन और अवपीड़क सहभागिता, ये दोनों गलत है आपकी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम 2023 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द एक्सटेंट टू विच अ मेजर यील्ड्स द सेम स्कोर्स अक्रॉस डिफरेंट टाइम ग्रुप ऑफ पीपल और वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि किसी माप में अलग अलग समय लोक समूह मापन के प्रकार जिस सीमा तक एक ही प्राप्तांक देते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि हम किसी एक टेस्ट को क्या कर रहे हैं, बार बार उसको रिपीट करके चेक कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या फिर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं, विश्वसनीयता बोलते हैं। भाई कोई टेस्ट हमने किया, ठीक है, अब उस टेस्ट को हम बार बार चेक कर रहे हैं, ठीक है, सेम टेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बार बार चेक कर रहे हैं हम उस टेस्ट को, क्या देखने के लिए, उसकी विश्वसनीयता देखने के लिए कि ये टेस्ट जो है वो क्या रिलायबल है या फिर नहीं है। अगर हम एक टेस्ट को बार बार चेक करेंगे और बार बार उसका सेम आंसर आएगा, इसका मतलब हमारा टेस्ट जो था वो एकदम सही था, वो एकदम रिलायबल था, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो विश्वास पात्र है, ठीक है। तो ये होती है हमारी रिलायबिलिटी, ना कि वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है, ये सभी आपके वैलिडिटी के टाइप्स हैं, ठीक है, वैलिडिटी के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। तो वैलिडिटी होती क्या है, वैलिडिटी मतलब जो हम करना चाहते हैं रिसर्च के अंदर और हम एक्चुअल में वही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब व्हाट वी आर सपोज टू डू और हम कर भी वही रहे हैं रिसर्च के अंदर। मैं क्या करना चाहती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ वो दोनों सेम है। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों की है ना मेंटल ग्रोथ को देखूँ या फिर मैं बच्चों की फिजिकल ग्रोथ को देखूँ, लेकिन मैं रिसर्च के अंदर कुछ और देख रही हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों का है ना मेंटल ग्रोथ के लिए देखूँ कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, जो एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस होता है टेस्ट के अंदर, उससे बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है, मुझे ये चेक करना है। और मैं उनकी फिजिकल ग्रोथ के बारे में देख रही हूँ, उनसे उनकी हाइट पूछ रही हूँ, उनका वेट पूछ रही हूँ, तो ये क्या है, ये मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या कर रही हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिसर्च इनवैलिड हो जाएगी, लेकिन मैं मेंटल ग्रोथ ही चेक करना चाहती हूँ और मैं मेंटल ग्रोथ ही चेक कर रही हूँ, तो ये मेरी वैलिड रिसर्च होगी, ठीक है। तो ये होता है वैलिडिटी कि मैं क्या करना चाहती हूँ एक्चुअल में और मैं वही कर भी रही हूँ अपने रिसर्च के अंदर, तब होगी मेरी रिसर्च वैलिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ना कि ये तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आपको दो कथन दिए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला पूछा है स्नोबॉल सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैंपलिंग। दूसरा बोला है स्नोबॉल सैंपलिंग इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट्स बिलोंग टू हार्ड टू रीच ग्रुप्स। क्या स्नोबॉल सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग का एक मेथड है, या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हार्ड टू रीच है, यानी कि वो हम उनको रीच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं क्या। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन एकदम सही है। स्नोबॉल सैंपलिंग रैंडम पे नहीं आती है, आपकी रैंडम सैंपलिंग जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी का मेथड है, लेकिन स्नोबॉल सैंपलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी का मेथड है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला कथन, लेकिन दूसरा कथन सही है कि हाँ
स्नोबॉल सैम्पलिंग हम क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारी रीच से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। क्या लिखा है, स्नोबॉल प्रतिचयन उस स्थिति में सहायक होता है जब प्रतिभागी ऐसे समूह से संबंधित होते हैं जिन तक पहुँचना कठिन होता है, ठीक है, तो हम हमारे पार्टिसिपेंट्स तक नहीं पहुँच पाते हैं ईजिली, तब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहला वाला आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अगेन आपसे रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। इस तरीके से हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है कि जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2019 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। हमको बताना है रिसर्च के स्टेप्स में से सबसे पहला कौन सा करते हैं, दूसरा कौन सा करते हैं, फिर कौन सा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें से देखो, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको टोटल 7 स्टेप्स बताए थे, उसमें बताया था सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर ली, ठीक है, थर्ड वाला सबसे पहले होगा। अब इसमें देखो थर्ड किस में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। हम आगे और देख लेते हैं, सबसे पहला हमारा सी हो गया, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, फिर हम लिटरेचर का रिव्यू करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, रिसर्च को प्रिपेयर करेंगे, यानी कि प्लानिंग करेंगे रिसर्च की, कि भाई हम आगे रिसर्च कैसे करने वाले हैं, और फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं बाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर साइटिंग अ जर्नल आर्टिकल इन एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल में जो हम जर्नल आर्टिकल को साइटेशन करते हैं, जो हम क्रेडिट देते हैं, साइटेशन करते हैं, वो कौन से स्टाइल में लिखते हैं, ए बी सी डी, हमको चार ऑप्शन दिए हैं, वो हमको बताना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोला है, एपीए शैली में एक जर्नल लेख का हवाला देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही प्रारूप है, वो हमको बताना है। तो एपीए स्टाइल के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट नेम को लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम फर्स्ट इनिशियल लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले मेरा लास्ट नेम क्या है, हर्षिता राठौर, राठौर मेरा लास्ट नेम है, तो सबसे पहले यहाँ पे राठौर लिखा जाएगा, फिर मेरा फर्स्ट इनिशियल है, फर्स्ट इनिशियल क्या है, राठौर के बाद में यहाँ पे आएगा मेरा हर्षिता, ठीक है, फिर यहाँ पे ईयर आएगा, ठीक है, ईयर आएगा, फिर आर्टिकल आता है, जो हमारा टाइटल है आर्टिकल का वो आता है, फिर टाइटल ऑफ जर्नल आता है, फिर वॉल्यूम नंबर आता है, और फिर बाद में पेज रेंज और सब कुछ चलते रहते हैं। लेकिन आपको क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, सबसे पहले आपका लास्ट नेम आता है, फिर आपका फर्स्ट नेम आता है, उसके बाद में आपका ईयर आता है, और फिर आपका टाइटल आता है। यहाँ तक आपको एकदम पक्के से याद करना है एपीए स्टाइल के अंदर। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अब आपसे ये पूछ लेंगे कि एपीए और एमएलए में है ना वो क्या है, अंतर क्या है दोनों के अंदर, तो आपको याद रखना है एपीए के अंदर हमने सबसे पहले लास्ट नेम लिखा, हम एमएलए के अंदर भी सबसे पहले लास्ट नेम लिखते हैं, ठीक है। फिर एपीए में हमने फर्स्ट इनिशियल लिखा है ना, एमएलए के अंदर भी हम फर्स्ट इनिशियल ही लिखते हैं, लेकिन एपीए के अंदर हम क्या करते हैं, फिर डेट लिखते हैं, डेट को मेंशन करते हैं, और फिर बाद में टाइटल लिखते हैं, लेकिन एमएलए में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जाता है, एमएलए में फर्स्ट इनिशियल के बाद में डेट नहीं आती है, आपका टाइटल का नाम आ जाता है, आपका आर्टिकल का टाइटल आ जाता है, और फिर डेट जो है वो लास्ट के अंदर आती है। तो बस ये इतना सा डिफरेंस है एपीए और एमएलए के अंदर, आपको ये याद रखना है एपीए और एमएलए का डिफरेंस क्या होता है साइटेशन देने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अंतिम नाम लिखेंगे, फिर पहला नाम लिखेंगे, फिर वर्ष लिखेंगे, फिर लेख का शीर्षक लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, और बाकी सब चीज़ें हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका एपीए स्टाइल की साइटेशन का फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास, ये हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करे, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे, आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को पढ़ रखा होगा। कुछ लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप उसके बारे में सर्च करो, वीडियोस देखो यूट्यूब पे, गूगल पे, काफ़ी सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, वहां से पढ़ने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लो, मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना के आपको समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन ये सभी टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी को भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर देना, मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू।